और इसकी पहचान होती है इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और आइए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और वॉज का यूज आई ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ, और वर्ब का यूज वी यू दे एंड प्लूरल के साथ किया जाता है। और आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, वह मुझसे बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग टू मी। अगला एग्जाम्पल, वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। इस तरह का सेंटेंस भी आप पास्ट कंटिन्यूअस पे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था, ही वॉज नॉट टीचिंग मी। दूसरा एग्जाम्पल, हम खाना नहीं बना रहे थे, वी वर नॉट कुकिंग द फूड। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, क्या तुम दूध पी रहे थे, वर यू ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह दरवाजा बंद कर रही थी, वॉज शी क्लोजिंग द डोर। यहां पर यह जानना जरूरी है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हिंदी में क्या शब्द स्टार्टिंग में आता है, तो इसके लिए वॉट का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, इसी से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाता है और वॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और आइए और अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे थे, यो क्यों है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। और जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्यों को वाई लिखेंगे, वाई वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल, वह एक पत्र क्यों लिख रहा था, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई वॉज ही राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र क्यों लिख रहा था, वह एक पत्र क्यों लिख रहा था। अगला एग्जाम्पल, आप कहाँ रह रहे थे, वेयर वर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे थे। देखेंगे क्वेश्चन वर्ड मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स वो क्या क्या होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। व्हाट क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुम किसे किससे, विच कौन सी, हाउ मच कितना, ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है। हु कौन किसने, हाउ मैनी कितने, ये काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है। हाउ लॉन्ग कितनी देर, हुज किसका किसकी, हाउ ऑफन कितनी बार, व्हाट लाइक कैसा कैसी कैसे, इस तरह से यूज कर सकते हैं। व्हाट फॉर क्यों किस लिए, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।